ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा सामान्य अध्ययन पेपर 4 है, ठीक है जी, सभी को मालूम है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में चार पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला, प्रश्न पत्र दूसरा, प्रश्न पत्र तीसरा और प्रश्न पत्र चौथा। तो हम लोग जीएस पेपर 4 का जो है डिटेल्ड सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये प्रश्न पत्र पांचवा इसलिए है क्योंकि पहला पेपर निबंध का होता है और चार पेपर ये, तो ये जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे मुख्य परीक्षा का, मेंस एग्जामिनेशन का, तो पहला आपका निबंध का होगा, उसके बाद जो पांचवा नंबर में होता है वो सामान्य अध्ययन पेपर 4 का होता है, इसलिए प्रश्न पत्र यह पांचवा है, लेकिन जीएस का पेपर यह चौथा है, जिसे इथिक्स का पेपर भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इसी का डिटेल्ड सिलेबस हम लोग जानने का प्रयास करें। तो इथिक्स का पेपर भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें नीति संबंधित, इथिक्स से संबंधित, मोरल्स वैल्यूज से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें बोल दिया जाए कि एक लाइन में बताएं कि जीएस 4 का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, तो आप तीन शब्दों में इसको उत्तर देंगे, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा तथा अभिरुचि, ठीक है जी। अब आइए हम लोग इसका डिटेल्ड सिलेबस जानने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन, केस स्टडी का महत्व भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों का को कवर कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है, देखिए, आप जब एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, जब आईएएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, या कोई भी यूपीएससी सिविल सेवा में कोई भी आपको पद अलॉट होता है, तो आप एक ऑफिसर रैंक्स के होते हैं। आपको समाज के लोगों के साथ जुड़ा हुआ कार्य करने होते हैं, मतलब समाज के लोगों के बीच में रहकर आपको कार्य करने होते हैं। उस वक्त आपके जो आचार विचार होने चाहिए, आपके जो व्यवहार होने चाहिए, वह सामाजिक जीवन को में कह सकते हैं वो फिट बैठना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि आप एक कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, तो आप जितने भी उम्मीदवार हैं वह यही सपने के साथ जाते हैं कि भाई हमें कलेक्टर बनना है। तो आप में सत्यनिष्ठा, आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपका जो इथिक्स और मोरल होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी और सोशल वैल्यूज के अनुरूप होना चाहिए, वो समाज में वो फिट बैठना चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए आपके इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का परीक्षण लिया जाता है जीएस पेपर 4 के माध्यम से, ठीक है जी। तो इसमें केस स्टडी दिया हुआ था, मतलब एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके नीचे दो तीन क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लेक्स होंगे कि उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सबसे अधिक सही लगता है। मतलब स्टेटमेंट तीनों सही होंगे, लेकिन सबसे अधिक कौन सटीक लगता है आपके अनुसार, इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट आप अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो आइए अब जो है हम लोग इसका पॉइंट वाइज जो है डिटेल्ड सिलेबस पढ़ने का प्रयास करेंगे। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं, अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट, संरचना, विति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। अगला पॉइंट है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। अगला पॉइंट, भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। अगला पॉइंट, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिक के योगदान। अगला पॉइंट, लोक प्रशासनों
एवं लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति तथा समस्याएं सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि नियम विनिमय तथा अंतरात्मा शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था फंडिंग में नैतिक मुद्दे कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। अगला पॉइंट, शासन व्यवस्था में ईमानदारी लोक सेवा की अवधारणा शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार सरकार में सूचना का आदान प्रदान जो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसपेरेंसी हो गया, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधित अध्ययन केस स्टडी दिया जाएगा। तो ये पूरे के पूरे हम लोगों ने जीएस पेपर 4 सामान्य अध्ययन पेपर 4 और इथिक्स का पेपर जिसे कहते हैं उसका डिटेल्ड सिलेबस जानने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और तो और मैं ऑलरेडी पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 का सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ पूरा का पूरा विश्लेषण के साथ, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।